स्वागत है सभी भक्तों का हमारे रेगुलर श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो ये जो अभी विषय चल रहा है अध्याय श्रीमद् भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर अध्याय जो है, तो ब्रह्मा जी को भगवान तो चार श्लोक यहाँ पर जो है बोलते हैं चतुर्श्लोक की श्रीमद् भागवतम के जो हैं। तो जैसे वो स्टार्ट हुआ हम सर्वस्य से, ये हम एवाश एवाशम एवाग्रे, तो चार श्लोक में भक्ति का एसेंस है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप देखोगे तो श्रील प्रभुपाद जी के आप तात्पर्यों में पाओगे, तो प्रभुपाद हमेशा छोटा सा भी तात्पर्य होता है तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये तीन चीज़ों को जरूर प्रकट करा देते हैं, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। मेरा मैं कौन हूँ, मैं प्रभु से क्या संबंध है, संसार क्या है, मेरा संसार से क्या संबंध है और प्रभु का इस संसार से क्या संबंध है। तो ये जो इंटर परस्पर जो अंडरस्टैंडिंग है, जानना, यही संबंध ज्ञान है। तो ये जो है जो संबंध है, और फिर इसके बाद हमारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या हमारा उद्देश्य है जीवन का। प्रभुपाद हर बार बोलते हैं उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है वापस भगवत धाम जाना, भगवान के घर वापस जाना, भगवत प्राप्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्ति करना। आप देखेंगे इस अध्याय इससे जब इस तात्पर्य में भी आपको ये सब मिल जाएगा। अभी लास्ट में आप देखिएगा तात्पर्य में प्रभुपाद गोलोक का वृंदावन का वर्णन करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब आप जैसे हम कोई भी क्लास भी लेते हैं, कहीं भी कुछ अगर हम किसी को बताते हैं, ये तीन चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ उसको मालूम नहीं चलेगा कि उसको क्या करना है। सुन तो लिया, बड़ा अच्छा क्लास था, लेकिन उसको करना क्या, घर जाके बताना पड़ेगा उसे आपको। तो इसलिए पहली चीज़ है संबंध, फिर प्रयोजन है और कैसे करना है अभिधेय, प्रोसेस क्या है। कल जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी और अभिधेय आचार्य हमारे हैं, और अभिधेय आचार्य हमारे कौन थे, अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी हैं, और जो इसके बाद जो गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जो गोपीनाथ के हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक्चुअली जो है तीन इस तरह से इन आचार्यों ने हमें सिखाया है कि कैसे हमारे जीवन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने कई शिष्यों को के माध्यम से हमें भक्ति के अलग अलग स्तंभ में सिखाए हैं। तो इसलिए तीन प्रिंसिपल हमें सबको समझना है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तीन चीज़ें सबको बताना है। और यही एक्चुअली एसेंस है ये जो चार श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, इनका भी और भगवद्गीता के भी श्लोकों का। और तो यहाँ पर जो प्रभुपाद एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल बता दिए हैं उनको एकाग्र करके इस पर निर्णय का कर, एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, दैट मीन्स डोंट डिविएट फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो ये हरि बोल, तो तुम्हें ना तो आंशिक ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी गर्व का विषण करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम भक्ति के सिद्धांतों को हमें जो परंपरा में जब हम सीखते हैं और उस पर फिक्स हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं इसको बोलते हैं निष्ठा, कि आप पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं, आपका भजन में आप कोई रुकावट नहीं आएगा, आप पूरी तरह से सत्य पे पूरा फिक्स हो गए हैं। और तो बड़े से बड़ा जो है आपके ऊपर विपत्ति भी आपके आपको हिला नहीं पाएगा आपको सत्य से। तो यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जैसे आंशिक प्रलय भी और पूर्ण प्रलय भी, और दोनों से आप नहीं बाधित होंगे। रूपात बोल रहे हैं कि लोग इस संसार में जो धूर्त लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भगवान की जो बताया गया आदेश उन पर अपना कुछ टीका टिप्पणी दे दें। ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, और वो भी श्रीमद् भागवतम में आते हैं। जनरली आप देखोगे तो
ज़्यादातर जो कॉमेंट्रीज हैं वो भगवद गीता पे ही ज़्यादा करते हैं लोग, और लेकिन हार्डली आप देखोगे जो इस तरह के लोग हैं निर्विशेषवादी, वो लोग हार्डली भागवतम को टच करते हैं, भागवतम पर नहीं आते। उनके लिए भागवतम क्या है, फेरी टेल और स्टोरी की उनको बोलते हैं, अरे ये सब नहीं, ये सब हमको नहीं सीखना है, वो भगवद गीता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो तो ये इनका प्रिंसिपल रहता है। और भागवतम में भगवान कृष्ण के जन्म को और विभिन्न अवतारों के जन्म को इन सब से उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको जैसे गीता के 13वां अध्याय है, हाँ, जो हम लोग पढ़े थे बीच में, तो ये सब श्लोक बहुत अच्छा लगता है उनको, हाँ। और तो ये जैसे हमारा देहरादून में माताएं थीं और पूरा, हाँ, तो उनको ये सब भागवतम से इतना इंटरेस्ट नहीं था, भगवद्गीता। भगवद्गीता में खासकर ये इनको बड़ा लुभाता था 13वां अध्याय। तो और तो शब्दों का जाल बुनना, तो भागवतम पे उन हम लोग उनको बोलते थे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, तो भागवतम पे उनका इतना रुझान नहीं था। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि भगवद्गीता जहाँ से ख़त्म होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, वो वहीं से भागवत श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। धर्मा प्रोजित कैटव, हाँ, तो धर्म को छोड़ दिया है, सारे चीटिंग जो हैं, चीटिंग धर्मों को छोड़ दिया है श्रीमद् भागवतम ने, तो वहाँ से भागवतम शुरू होती है। तो इसीलिए ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भागवतम। तो इसीलिए जो है हमें, और ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, हाँ, मनमना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यु में भक्त्या परेच्छति, कोई भी भक्ति के सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं, तो आप कैसे जानोगे कि इसको किस भक्त ने कैसे जीवन में उतारा है। तो श्रीमद् भागवतम आप सुनते हो, अम्बरीश महाराज की स्टोरी सुनते हो, कैसे उन्होंने ये सब प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारा है। जो हम देखते हैं सर्वधर्मान, अरे सारे कैसे, कौन भक्त हैं जो भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं, तब आप देखते हो अरे एक से एक भक्त हैं जो श्रीमद् भागवतम के पन्नों में आपको दिखाई देते हैं। जैसे गजेंद्र ने कैसे, जैसे बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम, तो कैसे पत्र पुष्प, हाँ, पुष्प उठाया गजेंद्र ने और अर्पण कर दिया भगवान को। तो ऐसे आप देखोगे तो ये सब आपको प्रैक्टिकली श्रीमद् भागवतम के पन्नों में दिखेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जब भगवद गीता की टीका भी लिखते हैं तो उसमें आप देखोगे श्रीमद् भागवतम के कई स्टोरीज आपको तात्पर्य में मिल जाती हैं। बस भगवद गीता आप कैसे समझोगे बिना भागवतम के सब। तो इसलिए उन प्रिंस, जैसे ऐसा समझा जाता है जैसे भगवद गीता, जैसे लॉ होता है ना, लॉ पढ़ते हैं हम कोर्ट में, एडवोकेट लॉ पढ़ते हैं, हाँ, तो लॉ ये सेक्शन पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सेक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है, केस स्टडी कहाँ है, तो वो सब श्रीमद् भागवतम है। तो वहाँ पर आप देखते हो कैसे कैसे अलग अलग प्रसंग जहाँ पर आपको इनको जीते हुए लोग नज़र आए। जैसे हम देखते हैं दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, तो भागवतम में आपको दिखेंगे एक तरफ दैवी हैं और एक तरफ आसुरी प्रकृति के। पूरी भागवतम में आप देखोगे कहीं आसुरी प्रकृति के लोग हावी हो गए तो कहीं दैवी प्रकृति का, कभी देवता जीत रहे हैं तो कभी असुर जीत रहे हैं। और फिर देखते हैं भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, गीता में बोलते हैं भगवान मैं सबको पक्षपात नहीं लेता हूँ, सबको समान हूँ, तो भगवान उस भाव को भी दिखाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं मेरे भक्त मेरे लिए स्पेशल हैं, तो फिर भगवान भागवतम में दिखाते हैं एक ऐसे देवासुर संग्राम हुआ, ऐसे बहुत स्टोरीज है जहाँ पर भगवान आके स्पेशल फेवर करते हैं देवताओं का। तो ये सब आप जब देखते हो प्रैक्टिकली तो आप भगवद गीता को आसानी से जीवन में उतार पाते हो। तो इसलिए भगवतम हमारे लिए बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, हमारे पूरा कोर है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भागवतम को। तो भागवतम जो है, बट भागवतम में भी आप देखोगे तो आप भागवतम को भी आगे जब अंत होता है भागवतम का, तो भागवतम का अंत होता है कि जो है कि
चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता के कृत्य और कि महाप्रभु कैसे संसार में आए, कृष्णा वर्णम तिसा कृष्णम, और फिर आज बताया जाता है कि हरि नाम ही इस कलयुग का उद्धार है, कृत्य धाय तो विष्णु त्रेतायाम युद्धो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। तो ग्लोरिफिकेशन किया गया कि कलयुग में क्या है, सिर्फ हरि का नाम। तो यहीं से शुरू होता है चैतन्य चैतामृत। चैतन्य चैतामृत में सिर्फ क्या है, हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलौ नास्त्यो 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 तिरंगता। तो इस तरह से चैतन्य चैतामृत हम सब के लिए फिर अगेन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे चैतन्य, क्योंकि कैसे जो है, बिकॉज हमारी जो क्योंकि उसमें बिल्कुल हमारे जो महाप्रभु कहते हैं ना, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो आप देखोगे कि श्रीमद् भागवतम में जो है वो बहुत तरह के भक्तों का वर्णन आता है, और कोई वैकुंठ में जा रहा है बहुत। तो आप देखो श्रीमद् भागवतम तो चैतन्य चैतामृत में है, इनको पूरा स्पेसिफिक कर दिया गया। जैसे जो दसवां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, जो भगवान के जो वृंदावन लीला और जो भगवान कृष्ण का उस कृष्णस्थ भगवान स्वयं उनके बारे में बताता है, तो वो उसको पूरा उसी को प्रिंसिपल को कैसे पूरा जिया गया है, कैसे उस भक्ति को हमें करना है जिससे हम सब गोलोक में पहुंच जाएं, तो उसको चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं हमें। क्योंकि और आप देखेंगे कि सिर्फ भगवान स्वयं आके हमें सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली अपने स्वयं के उदाहरण से। तो इसीलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसी परंपरा में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए प्रभुपाद भी आप देखेंगे बहुत बोल रहे हैं कि परंपरा को महत्व दे रहे हैं। कैसे, क्योंकि बहुत चीज़ें आप देखेंगे ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग बहुत चीज़ें अपने साथ में भक्त जो होते हैं उनसे ही सीख लेते हैं। बहुत बार हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हम उसको हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ अपने हिसाब से समझ लेते हैं, लेकिन उसको जब हम सुनते हैं किसी वैष्णव से सीनियर से तो हमें पता चलता है अच्छा इसका ये मतलब है। इसलिए हमें शुरू में सुनने पे बहुत जोर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, और साथ में पढ़ते रहिए। लेकिन पॉइंट ये, सुनने से इनिशियली जो है आपकी बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं, देन आप एक स्टेज में आते हो कि यस थोड़ा सेल्फ स्टडी करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग शब्दों का जाल बुनते हैं ना, उस जाल में अपने शिष्यों को भी फंसा देते हैं और खुद भी फंसे रहते हैं। हम भी जाएंगे और तुम लेके भी जाएंगे सबको, तो इनका एक प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, देखो इन निराकारवादियों का भागवतम से लेना देना क्या है, बिकॉज भागवतम में क्या है, भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान। हाँ, मतलब भक्त और भगवान के बीच में सेवाएं ही होंगी, सेवा का मतलब है पर्सनल। तो ये भागवतम में क्या कर रहे हैं निर्विशेषवादी लोग जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते हैं। तो मैं कई बार बताया हूँ, जैसे वो प्रैक्टिकली देखा था हमने देहरादून में, वो बंजारा वाला में थे, प्रैक्टिकली देखा था वो माता जी, वो कह रही थी आप लोग तो अभी जो हैं थोड़ा न्योफाइट हैं, मतलब बेसिक्स हैं, जानते हैं भक्ति का, मतलब बेसिक है, आप अभी रूप का पूजा कर रहे हैं और हम लोग अभी उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां से अब हमको रूप की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब पूरा जितने भी उसके घर में फ़ोटो हुआ करते थे, फ़ोटो फ्रेम, वो सब बांट गिफ्ट किया करते थे दूसरों को। उसके घर में एक भी फ़ोटो नहीं था भगवान का, सारा फ़ोटो गिफ्ट कर दिया था। बोला अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो तब तक ज़रूरत होता है जब तक निराकार में ध्यान नहीं सजता है, तब तक साकार की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारा तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमारा ध्यान अब सज रहा है निराकार में, तो हमें अब इनकी क्या ज़रूरत है। इसलिए वो सब डिस्पोज उनके लिए वो वेस्ट हो गया है अभी ये सब, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, देखो निराकार ही है जो आकार लेता है, वो कभी शिव बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी विष्णु बन जाता है,
कभी कोई, कभी वो बोलते हैं मतलब अलग अलग पंच सूर्य उपासना, पांच तरह की उपासना, तो ऐसे वो सबको जितने भी रूप हैं उनके लिए सब एक है, तो वो किसी में भेद नहीं करते हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना शुरू शुरू में, आप जब प्रचार करोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, अरे सब एक है, बहुत अच्छी बात है, किसी भी अपने वाले फेवरेट को चूज कर लीजिए आप। और लेकिन जब आप उनके साथ रहोगे कुछ दिन बाद तो क्या बोलेंगे, इनमें पैर रखो और ऊपर जाना है तुम्हें, तुम्हें अब जाना है निराकार में, हाँ इसका कोई रूप नहीं, ये सब तो स्टेपिंग स्टोन है, ये बस एक, अभी आप इतने हुए नहीं काबिल कि आप भगवान के निराकार पर ध्यान कर सकें, तो उनका ये फिलॉसफी है, निराकार से आकार आ गया है, ऐसा उनका फिलॉसफी है। पर अंत में सब इम्पॉर्टेंट यही है कि हम सब उसमें जाके विलीन हो जाएंगे। और तो ये शुरू में बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे तो बड़े हम अच्छी बातें बोलते हैं लोग, हाँ तो, लेकिन अंदर आप देखेंगे पूरा विष भरा हुआ है, तो वी नेवर, तो इसलिए आप देखोगे तो ज़्यादातर जो है जो लोग प्रचार कर रहे हैं मोस्टली यही भरा हुआ है निराकारवादिता, और यही सब भगवान को निराकार मानकर बैठ गए, तो ये लोग भागवतम को क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, जब जब भगवान के भक्त प्रेम से प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको कहाँ समझ में आने वाला कुछ, कोई भगवान के लिए भोग बना रहा है कोई, ये लोग फास्टिंग भी नहीं करते थे एकादशी का, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है सब, भगवान को तो कुछ खिलाना ही नहीं है, उनके मुँह ही नहीं है तो तो फिर कुछ भी खा, मतलब ये लोग भोग भी नहीं लगाते हैं, क्या भोग लगाएंगे जब भगवान का मुंह ही नहीं है तो। हाँ भगवान का तुम प्रार्थना करते हो, भगवान का कान कहाँ से आ गया, हाँ कान भगवान का आ गया, मुंह नहीं है, हाँ ये क्या, तो इस तरह से इनके इनके शब्दों का जाल है और कुछ नहीं है, तो जाल में खुद फंसे हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं, बहुत खतरनाक है बता रहा हूँ इनका फिलॉसफी। हमारे वो हम सर्वात्मा प्रभु और गदाधर प्रभु काफ़ी उनको बीच बीच में खूब पढ़ाया करते थे, 13वां अध्याय सर्वज्ञ प्रभु को भी पढ़ाते थे, हम सब एक्सपीरियंस लीजिए अगर आपको समझना है मायावादी क्या है तो। लेकिन मुझे याद है जब भी मैं क्लास में बैठता था तो आती थी शुरू में चेक करने की क्या बोल रही है, तो हम तो वही बोलेंगे जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, तो राइट एंड लेफ्ट पूरा, तो मेरी क्लास पसंद नहीं आती थी उनको तो ये रहता था हमेशा, तो सी वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनी वन, हाँ कि भाई आपके लिए हम अपना फिलॉसफी थोड़ी बदल देंगे, हमने जिसका नमक खाया उसी के लिए जिएंगे, हाँ और यही सर, तो इस तरह से रूपात यहाँ पर आगे जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर आज टच करना चाहता हूँ क्लास में, जो आगे आता है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाने से होता क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रकट शास्त्रों के सिद्धांतों के मुताबिक प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकट्य कैसे होता है, संसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है, संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और श्री भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्य में लगता है, इंद्रिय जगत से ऐसी विरक्ति आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति अर्थात दिव्य भक्ति में जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट रहता है और संसारिक इंद्रिय गत सुख की कामना नहीं करता है, श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए ये पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है, श्रीमद् भागवतम 1-20 इसका समर्थन करता है, क्या बोलते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, इस जीवन की आत्माराम स्थिति में जो भक्ति में सेवा करने के फलस्वरूप संसारिक इंद्रिय सुखोभोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप परंपरा में हो, भक्ति योग का सहारा ले रहे हो,
तो आपके जीवन में नेचुरली वैराग्य आ जाएगा। ये वैराग्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, मतलब वैराग्य विद्या हमको सिखाने हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु अपने खुद के जीवन से हमें सिखा रहे हैं। एक जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं ये 1626 पर्पट में, वैराग्य विद्या एंड भक्ति योग आर पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। वन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अदर। इट इज ऑल्सो सेट भक्ति परेशानुभावो विरक्ति अन्यत्र इच्छा, एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस और कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टराइज बाई इंक्रीजिंग रिनंसिएशन ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट। जैसे ये उदाहरण दिया गया है कि आता है चित्रकेतु महाराज के जीवन में। चित्रकेतु महाराज जब शुरुआत में थे तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा थी कि मेरा पुत्र हो। चित्रकेतु महाराज तो बहुत चिंतित रहते थे, इतनी पत्नियाँ थीं, कोई पुत्र नहीं था, तो बड़ा चिंता होता था। तो अंगिरा ऋषि गए थे तो बोला ठीक है, उनको अपनी व्यथा बताई कि भाई हमारा ऐसा ऐसा दुख है। बोला तुम्हारा तो वैसे है नहीं पुत्र, पर ठीक है तुमको पुत्र ये विधि दी, बोला ये तुम यज्ञ से जो मिलेगा इसको खिला देना अपनी जो भी पत्नी को, तो संतान हो जाएगा। ये संतान हर्ष शोक होगा, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, हर्ष तो पहले मिले, संसार में हम कहाँ परवाह करते हैं कि शोक आएगा क्या, पहले तो मजा कर लें। तो ये चित्रकेतु महाराज को फिर जब पुत्र हुआ तो बाद में फिर जब पुत्र रानियों द्वारा मार दिया गया, क्योंकि दूसरी रानियां जो थी जो कृत द्वितीय थी वो तो संतान हो गया, लेकिन बाकी रानियां ईर्ष्या हो गई। हाँ, क्योंकि राजा नेचुरली है, राजा उस रानी को ज़्यादा फेवर करने लग गया जिसका संतान था। तो इस संसार का तो नेचर है एनवी, एनवी घुसा हुआ है हम सबके अंदर। इवन अमंग द डिवोटीज इट इज़ देयर, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस क्वींस। हाँ, तो ये जो है बहुत दुख हुआ रानी दोनों को जब उसका बेटा जहर दे के मार दिया गया रानियों के द्वारा, और हर्ष था वो शोक में बदल गया है। राजा बिल्कुल हताश उदास निराश, जो होना था सब हो गया। और अब ऐसी स्थिति, ये जो स्थिति क्रिएट हुई है, इससे चित्रकेतु महाराज के जीवन में वैराग्य की भावना आ गई है। मटीरियल वर्ल्ड इज सो मच सफरिंग। इस अवस्था में मंगिरा ऋषि अकेले नहीं आए, अभी नारद जी को लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं प्रचार कैसे करना होता है। पहले स्टेज क्या था, एक्चुअली प्रभुपाद बताते हैं, जैसे इसी संदर्भ में बताते हैं, जैसे भगवद गीता का श्लोक है ना, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया माया तया प्रत चेत साम वैसात्मिका बुद्धि समाधव ना विधीयते। तो जब आप भोग ऐश्वर्य में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हो तो आपका समाधि नहीं लगता है भक्ति में, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे बहुत बार आप देखोगे नो, जैसे जब बहुत लोगों का जॉब लग जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, तो दुनिया लग रहा है पूरा जीत लिया है। हाँ, ऐसे पूरा कॉलेज में लाइफ हो जाती है पूरा, अब तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। और उनसे आप दो चार साल बाद मिलो, दो चार साल बाद उनकी स्थिति देखो, बोलते हैं ना अब हम लोग ना हम स्विच करने वाले हैं कंपनी से, बहुत बहुत काम कराते हैं, बहुत हालत ख़राब है। तो अब उनके अंदर थोड़ा वैराग्य आ चुका है, तो पांच और फिर और भी थोड़ा रहता है, तो ऐसे जब और पड़ता है तो फिर कुछ और धीरे धीरे ये लोग फिर भगवत। जैसे देखो कोरोना के टाइम क्यों वैराग्य जग गया था ना अचानक, तो उस वैराग्य के समय भक्तों ने पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ऑफलाइन तो नहीं और दुनिया भर में क्या क्या व्यवस्था करके उन्होंने उनको गीता सिखाया। तो ये स्टेजेस क्रिएट होती हैं संसार में, माया ऐसा ऐसा देती है, वैराग्य क्रिएट होता है। प्रभुपाद इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि मैं भी जब अमेरिका गया था तो अमेरिका में उस समय यही चल रहा था कि ये सब लोग जो थे, ये लोग जितने भी ये लोग हिप्पी बन चुके थे,
हिप्पी मतलब क्या, जो संसार के बनाए गए, संसार से उब चुके हैं, मतलब उनके पास सब कुछ है सारा, वो लोग मतलब होता ना कि सब हाईएस्ट एपिटोमी ऑफ जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो उन्होंने भोग करा है, फिर भी तरफ उनका मन नहीं, उनका मन भरा नहीं, दुखी है। तो जैसे हम इंडियंस, हम उसको उसको उस सुख को हमें लगता है अरे ये हमें नहीं मिला है, हम जाएंगे विदेश में प्राप्त करेंगे उसको, वो उग चुके हैं। हाँ क्या हो चुके हैं? उग चुके हैं। तो वो बिल्कुल जो है इसे, और इसलिए उन्होंने अपने तरीके से जो है सुखी रहने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। नेचुरली ऐसे लोग फिर क्या है, ड्रग एडिक्ट और ये सब हो जाएंगे। तो दे वर वेरी क्वालिफाइड पीपल, लेकिन वही है, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं था, सुखी होने का मार्ग ढूंढ रहे थे, और भगवान ने उनको, प्रभुपाद जी को वहां पर प्लेस कर दिया कि जाओ। जैसे नारद ऋषि गए चित्रकेतु महाराज के पास, भगवान ने प्रभुपाद जी को उठा के वहां पर भेज दिया, और बिल्कुल राइट टाइम था, और वहां पर ये वैराग्य विद्या, वो तो वैराग्य थे ही, उनको भक्ति योग का विद्या दे दिया, खटाखट कैच करने लग गए। हाँ तो उनको वही चाहिए था। तो उनके पास प्रभुपाद लिखते हैं, मैं आपको प्रभुपाद जी की लैंग्वेज सुनाता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि यूथ इन द वेस्ट हैव रीच द स्टेज ऑफ वैराग्य, वैराग्य की स्टेज में आ गए थे, दे आर प्रैक्टिकली डिस्गस्टेड विद मटीरियल प्लेजर फ्रॉम मटीरियल सोर्स। उनको पता चल गया था कि मटीरियल किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन अ पॉपुलेशन ऑफ हिपीज थ्रू आउट द वेस्टर्न कंट्रीज नाउ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये सब भक्त हिपीज इतने आ गए थे। तो वही केस हो रहा है चित्रकेतु महाराज के साथ। चित्रकेतु महाराज वो अब उनके अंदर एक रिनंसिएशन आ चुका था, देख लिया था कि बेटा इतना कुछ किया बेटे के लिए, बेटा चला गया, और उन्होंने पहले तो बेटे के माध्यम से बुलवाया, नारद मुनि ने बेटे को उठा दिया, मरा हुआ बेटा जाग गया, हाँ बोलने लग गया, देखा रहे ये सब चिल्ला रहे बेटा आ गया बेटा आ गया, वो बोला बेटा हाँ बेटा आप कौन से जन्म वाले माता पिता है मेरे, हाँ कौन से वाले हैं, मैं तो हर जन्म में माता पिता पाया हूँ, हर जन्म में भगवान हमको कोई ना कोई माता पिता देते हैं। बोला आप कौन से वाले हैं बता दीजिए ना। तो और बोलते हैं इस संसार में हमारे कर्मों के द्वारा तो कोई ना कोई माता पिता मिल ही जाते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है कि हमें कोई ऐसा स्पिरिचुअल फादर मिले जो हमें हमारे परम पिता कृष्ण से मिला दे। तो गुरु कृष्ण मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जब ऐसे बता रहे हैं तो उनको समझ में आ गया उनका सारा, और फिर उनको हाई डोज मिला है तो इसके बाद चित्रकेतु महाराज ही बिकेम सीरियस, तो रिनाउंसिएशन उनके अंदर फायदा हुआ, तो इसलिए उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो बिकेम इफेक्टिव। तो ये देखना चाहिए, बहुत बार आप देखेंगे कि हम लोग प्रयास करते हैं किसी को, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई ये अभी कौन सी स्थिति में है। हाँ इसलिए आप देखोगे बहुत बार हम प्रचार करते हैं और वो उसको कर रहे हैं, बस आपको ठीक है आएंगे ठीक आएंगे ऐसे करता रहेगा, बिकॉज अभी उसको बहुत ज़्यादा मन लगा हुआ है, उसको लगता है अभी बहुत ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम भी बहुत प्रशक्त आशक्त है भौतिक संसार के प्रति। मटेरियल तो इसीलिए जो मटेरियल नेचर है वो हमको आसक्त कर लेता है भौतिक वस्तुओं से, लेकिन भक्ति बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद जैसे बोलते हैं भक्ति योगा मीन्स वैराग्य विद्या, द आर्ट दैट कैन हेल्प वन डेवलप दिस टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। ये वो आर्ट है जो आपको भौतिक सुख से घृणा आ जाए, भौतिक भक्ति योग का मतलब है। आप ऐसा नहीं है कि ये दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा, हाँ ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जैसे हमारा सबका वैराग्य विद्या शुरू हो जाता है, वैराग्य शुरू हो जाता है सुबह से, सबसे पहले वैराग्य बिस्तर से करना है, पहला वैराग्य बिस्तर को जल्दी त्यागना है। हाँ तो
तो ये हमें कम करते रहना है। हमें जैसे मतलब हर जगह आप देखेंगे कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, चेतन महापुरुष स्वयं हमें वैराग्य विद्या सिखाए अपने जीवन से, और कैसे सब कुछ था उनके पास, ही हैज सो मच फॉलोइंग। महापुरुष के पास क्या नहीं था, निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे भाई, हाँ पूरा नवद्वीप में अनडिस्प्यूटेड एक स्कॉलर, कोई नहीं था उनके जैसा, हाँ और पूरा गृहस्थ जीवन उनका कितना सब कुछ बहुत संपन्न था, और सब कुछ महाप्रभु ने ये वैराग्य विद्या सिखाने के लिए हमें त्याग दिया। और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके छह गोस्वामियों ने, कैसे छह शिष्य जो थे उन्होंने हमें जीवन में वैराग्य विद्या सिखाया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु खुद सिखा रहे हैं कि तुम्हें ना भालो खाना है ना भालो पहनना है कुछ भी, हाँ बहुत केयरफुली रहने के बाद बोला, ग्राम वार्ता मत बोलो, इधर उधर की बातें मत करो, तो रिच फूड नहीं, रिच फूड को महाप्रभु बोलते मत खाओ। दे हमारा राजभोग बनता है ना, तो राजभोग ये मंदिर के लिए नहीं है, प्रभुपाद लिखे भी हैं यहाँ पर परपट में, मैं आपको सुनाता हूँ, प्रभुपाद लिखते हैं आ डिवोटी, हाँ लिखा हुआ है, चेतन महाप्रभु एडवाइस रघुनाथ दास गोस्वामी नॉट टू ईट वेरी पैलेटेबल डिशेस। पैलेटेबल हाँ क्यों कहाँ है पैलेटेबल डिशेस, वेयर वेरी नाइस गारमेंट्स और टॉक ऑन मंडेन सब्जेक्ट, दीज थिंग्स आर ऑल प्रोहिबिटेड फॉर दोज इन रेनाउंस्ड ऑर्डर। अ डिवोटी डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग टू ईट दैट इज नॉट फर्स्ट ऑफर्ड टू कृष्ण। ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑफर्ड है तो नहीं ऑफर्ड है तो कोई सवाल प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन फिर आप साथ में क्या लिखा, ऑल द रिच फूड offered to Krishna or given to grihasthas, the householders। तो इसलिए जब हमारा राजभोग होता है वो रोज बाहर जाता है, दो पैक होकर बाहर जाता है बाहर के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चूहे बिल्लियाँ पाई जाती हैं मंदिर में, कैसे न कैसे तो ऐसे तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी का मैं तात्पर्य सुना रहा हूँ, हमारे लिए नहीं है, कभी हो गया वन सिने मंत भाई, राजभोग आप लोगों के लिए नहीं है भाई, ठीक है, तो वो नहीं, वो है नहीं उनके लिए है जो अभी आप अभी क्या अभी इतना तो लिखा हुआ, दीज आर नाइस थिंग्स ऑफर टू कृष्णा, तो कोई भी चीज़ है प्रभुपाद बोलते हैं इट हैज़ टू बी वेरी केयर, वी हैव टू केयरफुली टेक इट। होता क्या है, हम ना वैराग्य जिसे हमें हमारे प्रिंसिपल है भक्ति सिद्धांत सुस्ती महाराज हमको सिखाए हैं, युक्त वैराग्य, जैसे हमारा रूप गोस्वामी बोलते युक्त वैराग्य, तो युक्त वैराग्य मतलब आप कोई भी चीज़ भगवान की सेवा में लगा सकते हो, तो हम क्या है, हम फिर उसके बहाने में आड़ में सब कुछ युक्त वैराग्य, हम तो पूरा हर चीज़ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ऐशो आराम सब भगवान की सेवा में, हाँ ऐसा तो ये नहीं होता है अभी, तो उसको हम मिसयूज़ करने लग जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है स्मार्टफोन, उसको भगवान की सेवा में लगाना बड़ा मुश्किल है, तो वो आपको अपनी सेवा में लगा देगा लेकिन भगत तो समझना पड़ेगा कितना भाई हम लोग युक्त वैराग्य के नाम पर कहीं फंसे तो नहीं हुए हैं दलदल में। तो इसलिए प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए कि सी, और हर भक्त का अलग अलग स्टेज है, वो किसी कोई चीज़ है किसी के लिए माया है, कोई किसी के लिए माया है, तो ये नहीं कि जो सब पे सब सेम चीज़ अप्लीकेबल होता है। मान लीजिए किसी को स्वीट देख के रहा ही नहीं जाता है और किसी को पकौड़ा देख के रहा नहीं जाता है, तो अलग अलग सबका है, तो आपको बोलेगा अरे मुझे तो स्वीट पसंद नहीं है ना, हम तो वैराग्य है, बट आपको कोई और चीज़ तो पसंद है ना, तो देखना पड़ेगा सबका, वी शुड नॉट कंपेयर ऑन द बट ओवरऑल प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है कि हमें बहुत रिच फूड नहीं लेना चाहिए, और जैसे कुछ और इसके बारे में बताता हूँ आपको, बहुत प्रभुपाद जी ने एक्चुअली बहुत बोला है इन सब विषय में, आप अगर करेंगे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ही है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते थे कि मैं वैराग्य करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने और इन सब ने मुझे फोर्स किया,
मुझे भी मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे, जैसे कभी होता है ना छोटा बच्चा वो दवा नहीं पीना चाहता है, वो उसको लगा, और माता पिता उसका नाक पकड़ते हैं और डाल देते हैं, हाँ, फिर जब उसको ज़बरदस्ती पिलाते हैं पिलाते उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, समझ में आता है मेरे तो हित का सोच रहे थे, मैं तो सोचा है दुश्मन है, नाक कान पकड़ क्या क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद भी बोलते हैं कि मैं भी ऐसे बहुत संन्यास नहीं लेना चाहता था, प्रभुपाद बोलते थे ऐसे, तो एक भक्त का ह्यूमिलिटी है, लेकिन बोलते थे कैसे मेरे गुरुदेव ने माँ मेरे गॉड ब्रदर्स के माध्यम से मुझे फोर्स किया कि वैराग विद्या का मुझे पीना पिला दिया, वो दवा कड़वी दवा पिला दी, लेकिन कितना अच्छा किया। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं सनातन गोस्वामी का कि प्रभु आपने कितना अच्छा किया मेरे लिए, मतलब मैं कैसे विषयी जीवन जी रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे थे मैं कैसे ऐश्वर्याम के जीवन जीता था। अब देखो ये उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी से बहुत सीखने को मिलता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे पहले जब गए थे पूरी जगन्नाथपुरी, महाप्रभु के साथ रहे, तो शुरू में तो महाप्रभु को रोज बुलाया करते थे भोजन में, प्रश्न कि आप महाप्रभु आइए हमारे यहाँ भोजन करिए। माँ वो जमींदार के पुत्र थे, खूब पैसा था, खूब खिला रहे थे, तो माँ बुला रहे थे, भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु अंदर से नहीं चाह रहे थे। तो बाद में इनको महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं ये धन पिता का और ये सब अच्छा नहीं है खिलाना, हाँ तो क्योंकि महाप्रभु विषयी रे अन्न कहते हैं, जैसा आप अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ महाप्रभु को ये सब क्या खिला रहा हूँ। तो उन्होंने इनवाइट करना बंद कर दिया महाप्रभु को। तो महाप्रभु सर्वेंट से अपने पूछते हैं कि क्या हुआ आजकल रघुनाथ इन्वाइट नहीं कर रहा है। तो उनको बताया नहीं महाप्रभु आजकल वो नहीं कर रहा है अभी वो, तो वो खाता वाता कैसे क्या है उसका क्या स्थिति है। तो बोला आजकल वो ना वो भिक्षा जो मिलता है उसको अपना मंदिर के गेट में खड़ा रहता है पूरी मंदिर के, जो और देखता है जो उसको देगा उसको लेता है और फिर वो खाता है उसको। तो महाप्रभु उसको देखा करते थे रास्ते में, हाँ कि भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो फिर कुछ दिन बाद देखा महाप्रभु ने तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ भी नहीं पाए जा रहे हैं। बोला अब क्या हो गया इसको, अब तो ये वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो महाप्रभु उसको लगता था कि ये आज मान लीजिए किसी ने दिया जैसा, तो लगता था आज भी देगा कल भी देगा ऐसे उसको लगता था, कल दिया था तो आज देगा, और आज नहीं दिया तो अरे देखो आज नहीं दे रहा है, तो ऐसा भावना आ गया। तो उनको लगा कि ये तो जैसे प्रोस्टिट्यूट की सोच हो गई, ये तो बहुत खराब सोच है। तो उन्होंने उस जगह को त्याग दिया। और लेकिन अब करता क्या है वो, बोला अब वो जो है ना जो झाड़ू देकर जो चावल बाहर मंदिर से फेंक दिया जाता है तो उसी को एक ड्राई जो हो जाता है उसी को करके किसी तरह से उसी को खा रहे हैं। तो महाप्रभु हाँ बोला ये है। तो वो गए रघुनाथ के पास, रघुनाथ जब खा रहे थे महाप्रभु बोले तुम क्या नेक्टर टेस्ट कर रहे हो, मैं भी शेयर करना चाहता। महाप्रभु आपके लिए नहीं है, महाप्रभु तो खा गए। तो ये है, तो ये हमारी फिलॉसफी है, इसे तो समझना चाहिए। हाँ तो रघुनाथ कहते उनका रघुनाथ जो है उनका जो वैराग्य है पाषाण रेखा, जैसे पत्थर में लकीर हो जाती है ना वैसे। कि क्या बार बार उठना उठना कर रहे हो तुम लोग, सीधे बैठो एक बार, बार बार 10 बार उठ रहे हैं तो, नहीं तो बाहर ही बैठ जाओ, बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग आधा पौन घंटे नहीं बैठ पा रहे हो तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव बोलते पाषाण रेखा, पत्थर में लकीर जैसे होता है ना वैसे उनका वैराग्य था। और तो इस तरह का प्रिंसिपल हमारे आचार्यों के द्वारा मिलता है। और ये सब अक्रॉस सारे जो होता है ना हमारे सारे गोस्वामी के माध्यम से हमें सिखाया जा रहा है। जैसे बोला जाता है ना कि 6 गोस्वामी के जो हम सठ गोस्वामी अष्टकम जो है, सॉरी हाँ सठ गोस्वामी अष्टकम में
बोलते निद्रा आहार विहार विजितो, बोलते हैं कि जो है उन्होंने निद्रा आहार विहार पे विजय प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रिंसिपल है, प्रभुपाद इसके संदर्भ में बताते हैं। जैसे निद्रा, एक डिवोटीज को अपनी निद्रा जो है, क्योंकि निद्रा इसके बारे में बहुत अच्छा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, निद्रा के बारे में प्रभुपाद क्या बोलते हैं। कहते हैं मतलब तीन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने की बात बोल रहे हैं, निद्रा आहार विहार विजितो। तो क्योंकि ये जो है लिखा हुआ है, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि निद्रा जो है दैट इज लाइक अ, इसको माया से जोड़ के प्रभुपाद बोल रहे हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ ये है। तो बोलते हैं कि वाई मायापुर वृंदावन देर कस्टम या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, द देवी दिस मटेरियल एनर्जी हैज कैप्चर्ड एवरीवन, दुर्गा ने सबको कैप्चर कर रखा है, एंड शी इज देयर, द मोर वन स्लीप्स दैट मीन्स शी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माया, एंड द मोर ही इज नॉट स्लीपिंग ही इज फ्री फ्रॉम माया। निद्रा आहार विहार आदि विजिताओ, द गोस्वामी दे कॉन्कर्ड ओवर थ्री थिंग्स। गोस्वामी ऐसे थोड़ी बन गए, वो निद्रा और आहार और विहार मतलब सेक्स लाइफ मेटिंग, दीज थिंग्स आर द क्लचेज ऑफ माया। तीन चीजें प्रभुपाद बोल रहे हैं क्लचेज ऑफ माया है, माया के हमारे ऊपर सब बंधन। मोर वी हैव सेक्स, मोर वी हैव ईटिंग, मोर वी हैव स्लीपिंग, दैट मीन्स आई एम इंटेंगल्ड। इसे ज्यादा हम अगर अच्छे से खाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर क्या करेंगे, नींद आएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि वेदर आई एम ईटिंग मोर और ईटिंग आई एम सेक्सुअली इंक्लाइन, ही कैन टेस्ट हिमसेल्फ। भक्ति मीन्स वैराग्य विद्या टू कॉन्कर ओवर दीज थ्री थिंग्स, सो प्रैक्टिस दिस। प्रभुपाद टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अटेंड मंगला आरती इज कंपल्सरी। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप, ठीक है, टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अटेंड मंगला आरती इज कंपल्सरी, इट इज पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन। वैराग्य विद्या ऐसे नहीं आ जाएगा, आपका बिस्तर आपसे छूट नहीं रहा है सुबह सुबह, और वो लोग जाने का स्वप्न देख रहे हैं, वो लोग जाएंगे हम, अरे बड़ा भाई आप स्वप्न लोक में जा सकते हो, वो लोग तो नहीं जा पाओगे, स्वप्न लोग जाओगे, ठीक है। हाँ सुतल लोग, सुतल सोते हुए सुतल लोग भी कैसे जाओगे, बलि महाराज के दर्शन इतना आसान है, वहां भी नहीं जा पाएंगे, वामन देव भी तो है उधर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन एंड नॉट टू ईट मोर देन नेसेसरी, देन यू विल नॉट स्लीप मोर, यू विल फाइंड इफ यू ऑब्जर्व फास्ट यू वोंट फील स्लीपी। हैव यू टेस्टेड दिस? प्रभुपाद बोलते हैं आप अगर व्रत रहते हैं एकादशी में तो इतना नींद नहीं आता, बस हम खाते ही नहीं है ज्यादा तो नींद भी कम आता है, तो नींद ये दोनों कनेक्ट है। इसलिए आप देखोगे जब आप चैंटिंग करना शुरू करते हो तो सबसे पहले यही मन करता है थोड़ा खा लेते हैं कुछ, हाँ पहले खा के कुछ थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, हाँ थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं। जैसे कुछ डिवोटीज हैं बीच में माला लेने के बहाने कुछ रखा होगा कल, कुछ तो पेट पूजा करके आके बैठते हैं, अब ठीक है अच्छा। और फिर यहाँ क्या करेंगे, आहार के बाद निद्रा, तो दिन बाद सर ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये समझो प्रिंसिपल को, यही सब ट्रैप है, आपको पहला लेवल क्रॉस करना। इसलिए जब आप डिवोटी के साथ बैठ के जब करते हो तो आहार का चांस रह ही नहीं जाता है, फिर आगे का स्टेज भी तो धीरे धीरे पहले एक स्टेज से क्रॉस कर लो, फिर निद्रा स्टेज, ऐसे ऐसे स्टेजेस होती हैं। तो इसमें प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, इंद्रिय जगत से ऐसी विरक्ति तथा पूर्ण तुष्टि इस अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गूढ़ उलझनों से ही समझा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं। क्योंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य थे, अतः श्री भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य को प्रकट किया। श्री भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए सुलभ है जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में कहा गया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में
लीन रहते हैं, उन्हें शिव भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे शिव भगवान के धाम को वापस लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। अतः मनुष्य को केवल मानसिक तर्क के आधार पर श्रीमद् भागवतम के इन चार श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा ने किया। वैकुंठ की ऐसी अनुभूति शिव भगवान के किसी ऐसे भक्त द्वारा संभव है जो भक्ति में सेवा के फलस्वरूप दिव्य अवस्था में स्थित हैं। तो रूपाधि बता रहे हैं कि कैसे हमें जो है से भक्ति का कैसे भगवान बुद्धि स्वयं देते हैं हम सबको, बुद्धि योग हमें बुद्धि देते हैं जिससे हम धीरे धीरे भगवान तक पहुँच सकते हैं। अगर हम क्या है, अगर उन लोगों के लिए बुद्धि देंगे तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। अगर आप हमेशा सेवा में इंगेज्ड हो, प्रयास करते रहते हो, तो क्या होगा, भगवान आपको बुद्धि देते रहेंगे, आपको जो भी नेसेसरी बुद्धि है आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल फॉर्मूला है। आप और आप देखोगे जब भगवान के द्वारा आपको बुद्धि मिलता है तो आप पूरी तरह से, आपको डाउट नहीं रहता है उस कुछ करने में, डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बड़ा सा बड़ा डिसीजन वो आपको इंस्पायर्ड हो ना, तो भगवान तो आप बहुत आसानी से चीज़ें होती रहती हैं, ददामि बुद्धि योगम। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, गोप वेश्य में पुरुषा पुरस्ताद आवि आविर्भवुः। ब्रह्मा के समक्ष श्री भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिनका वर्णन बाद में ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 529 में किया। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तम अहं भजामि। ब्रह्मा आदि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, जहाँ में ग्वाले के रूप में सुरभि गायें पालते हैं और जहाँ हजारों लक्ष्मियाँ गोपियाँ प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। तो बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन है उस दिव्य गोलोक वृंदावन के बारे में। तो ये सब जानकारी नहीं होती तो हमारे अंदर कैसे इच्छा आएगा। बहुत बार लोग पूछते हैं कैसा होता है गोलोक वृंदावन, तो बताइए उनको ऐसा होता है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से यह भी यही स्पष्ट होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण हैं, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए हम सबको जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। बाकी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण वो स्वयं भगवान हैं, बाकी सब इनके अवतार हैं, इनके अंश हैं, कोई का कला है, कोई कला की कला है, तो ऐसे अंश का अंश है। तो ऐसे बहुत डिपेंडिंग ऑन द नीड भगवान अपने अलग अलग अवतार करते हैं, जिस जगह पर जिस लेवल की शक्ति चाहिए उतना ही अवतार देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल दिया जाता है, मान लीजिए आपका कमरा है, छोटा कमरा है, ठीक है, छोटा कमरा है तो 100 वाट बल्ब में काम हो जाएगा, बड़ा कमरा है तो 400 वाट देना पड़ेगा। तो भगवान उसी तरह से अपनी शक्तियों को अलग अलग अवतारों के माध्यम से एग्जिबिट करते हैं। तो कहीं पर वो पूर्ण अपना ऐसे अलग अलग भगवान कभी कभी स्वयं आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे, बहुत अलग अलग अंतर है। ये तो बाद के रूप हैं, ये तो बाद के रूप हैं। अतः श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता की तरह शिव भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान है, इसमें श्री भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह साक्षात्कार होता है। तो इसलिए भागवतम पढ़ते पढ़ते भगवान, जैसे तो भगवान का सारा कुछ आपके पैर, भगवान का रूप जो है, गुण लीला सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। ये प्रक्रिया है, श्रवण करने का ही प्रक्रिया है। तो नाम रूप गुण लीला सब धीरे धीरे हमारे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप सब रिवील हो जाता है। भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं हमारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य देख रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा तात्पर्य है। और ये दिखाता है हमारे प्रभुपाद जी का कि कितना हमारे लिए कंसर्न है, और हमें कंसर्न होना चाहिए उनके
करें किताबों को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए।